हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग व्याकरण के पोर्शन को शुरू कर रहे हैं, जिसका जो प्रथम खंड है वो है संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग संज्ञा को देखेंगे और इसके साथ ही इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, संज्ञा को और उसके क्वेश्चनों को जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो प्रथम हम देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के परिभाषा को। ठीक है, संज्ञा के परिभाषा को देखते हैं। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव को क्या कहते हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम लोग संज्ञा को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये तो परिभाषा है इसका, इसका उदाहरण है दुनिया का कोई भी नाम हो वो क्या होगा, वो संज्ञा होगा। जैसे व्यक्ति में राम, सोहन, ये सब क्या है, संज्ञा का ही उदाहरण है। ठीक है, राम, सोहन। जानवर में देखें तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, ये सभी संज्ञा है, गाय। साथ में स्थान में पटना, दिल्ली, जितने भी स्थान का नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। वस्तु, वस्तु में कलम, कुर्सी, टेबल, ठीक है, ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। और साथ में भाव अर्थात बुराई, भलाई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा का ही उदाहरण है। तो आप लोगों ने देखा इसका परिभाषा कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखें कि राम, सोहन, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जानवर का नाम या किसी स्थान या किसी वस्तु और भाव को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो क्या है, राम, सोहन, गाय, पटना, दिल्ली, कलम, बुराई, भलाई। बुराई भलाई ये क्या है, ये भाव है। ठीक है, एक प्रकार के भाव को दिखाता है कि हम लोग जिसे देख नहीं सकते अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद को। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः पांच भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः पांच भेद होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा देखिए तो चौथा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये है संज्ञा के प्रकार, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के जो मुख्यतः भेद है वो कितने होते हैं, पांच, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग बारी बारी से इसके डिफिनेशन को देखते हैं और इसके एग्जाम्पलों को देखते हैं, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमसे
आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, पहला जो था हमारा भेद वो क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं। किसी शब्द या नाम से किसी खास व्यक्ति, ठीक है, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम लोग इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी, जिस शब्द से या नाम से, ठीक है, जिस शब्द से या नाम से किसी खास व्यक्ति का, ठीक है, जिस शब्द से या नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द से या नाम से किसी खास व्यक्ति जानवर वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सा संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग, ये तो था इसका परिभाषा। जिस शब्द से या नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, राम, सोहन, ठीक है, मोहन, ये सब क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। मोहन कहने से किसी खास, मोहन जिसका नाम होगा उसी का बोध हो रहा है। तो राम, सोहन, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का खास नाम है। और जानवर, जानवर से जैसे हम क्या बोल देंगे कि टॉमी एक कुत्ता का नाम है, ठीक है, लुई किसी बिल्ली का नाम अगर हम बोल दिए तो क्या हो जाएगा, वो जानवर का एक खास नाम हो गया। ठीक है, और दिन में जैसे बोलेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण में आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, किसी खास दिन को दर्शाता है। ठीक है, महीना में अगर हम ले लें जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, किसी खास महीने को दर्शा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जिस शब्द से या नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड जो है जातिवाचक संज्ञा उसे देखते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो इसका जो डिफिनीशन है, जिस शब्द या नाम से पूरे जाति भर का बोध होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की जो उदाहरण है, जिस शब्द से या नाम से, जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध होता हो, ठीक है, पूरे पूरे सम पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं।
ठीक है, क्या है, जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात अगर हम कुत्ता बोले, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पूरे कुत्ता, पूरे जितना भी जाति है, कुत्ता में जितना भी कुत्ता है सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्या बोल दें, शहर, तो जितने भी शहर है दुनिया में उन सभी का बोध हो रहा है शहर बोलने से। ठीक है, आदमी बोलने से अगर हम पुरुष बोल दें तो क्या होगा, पूरे पुरुष भर का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा, नदी। अगर हम नदी बोलते हैं तो जितनी भी नदी है दुनिया में उन सभी का बोध होता है। ठीक है, नदी। महीना बोलने से सारे जितने भी 12 महीने हैं उन सभी का बोध हो रहा है। दिन बोलने से सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं 7, उन सभी का बोध होता है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है कि जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, शहर, नदी, महीना, दिन, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला जो है, तीसरा भेद जो है इसका, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ, ठीक है, जिस शब्द से किसी पदार्थ अथवा धातु का बोध हो है, जिस शब्द से किसी पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, गण नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो इसका जो उदाहरण होता है वो क्या है, जैसे कि घी, ठीक है, घी, चावल, ये सब क्या करते हैं, हम नापते या तौलते हैं इसे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसकी हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते, उसे हम नापते या तौलते हैं। जैसे हो जाएगा घी, चावल, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, सोना, पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, जिस शब्द से किसी पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा का जो चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द या नाम से क्या हो, एक समूह का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से समूह का बोध हो। ठीक है, समूह का, समूह का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो सभा, ठीक है, एक आदमी से तो सभा नहीं हो सकता, इसके लिए क्या होगा, एक समूह होगा। सभा, उदाहरण क्या है, सभा, गुच्छा, ठीक है, अगर एक अंगूर रहे तो क्या गुच्छा होगा, नहीं, गुच्छा कहने से ही क्या हो रहा है कि एक समूह होगा अंगूरों का, उसे हम क्या कहेंगे, गुच्छा। ठीक है, तो सभा, गुच्छा, वर्ग, मेला, ठीक है, या भीड़, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम लोग जो पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा, उसे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक है,
जिस नाम से या जिस शब्द से, जिस शब्द से घृणा, प्रेम, ठीक है, घृणा प्रेम अवस्था, ठीक है, जिस शब्द से घृणा प्रेम अवस्था या भाव का बोध होता है, या भाव का बोध होता है, क्या है, जिस शब्द से घृणा प्रेम अवस्था या भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। तो जिस शब्द से घृणा, ठीक है, घृणा प्रेम अवस्था, जैसे कि हम बोल दिए बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या है, अवस्था है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, मधुरता, ठीक है, ये सब क्या है, गुण, ठीक है, मधुरता हो गया, सुंदरता हो गया, तो ये क्या है, जिस शब्द से घृणा प्रेम अवस्था या भाव का बोध होता है, ठीक है, भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, मधुरता, सुंदरता, बचपन, इस सबको हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसे हम अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये था भाववाचक संज्ञा। तो ये तो था संज्ञा के पांच भेद। ठीक है, संज्ञा के पांच भेद कौन कौन है, तो संज्ञा के जो पांच भेद है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सभी को हमने उदाहरणों के माध्यम से देखा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देख करके इसका आकलन करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। ठीक है, ये 2021 में पूछा जा चुका है कि रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, किसी खास त्यौहार को बता रहा है रक्षाबंधन। ठीक है, त्यौहार तो बहुत होते हैं, होली, रक्षाबंधन, छठ पूजा, ये सभी त्यौहार है, लेकिन रक्षाबंधन ये क्या कर रहा है, एक खास त्यौहार को बता रहा है, अतः ये कौन सा संज्ञा होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, इसके आंसर को देखते जाएंगे कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, झुंड कौन सा संज्ञा है। ठीक है, झुंड कौन सा संज्ञा है। ठीक है, झुंड, तो झुंड कौन सा, झुंड से क्या हो रहा है, पूरे समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, लगता है जैसे कोई समूह हो, एक आदमी से झुंड बनेगा नहीं। ठीक है, झुंड, सभा, भीड़, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, अतः झुंड क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है झुंड, समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मधुरता किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, मधुरता जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है।
मधुरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? मधुरता। मधुरता से क्या हो रहा है? मधुरता को हम देख नहीं रहे हैं, ये क्या है? किसी के गुण को दर्शा रहा है, ठीक है, किसी पदार्थ के गुण को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मधुरता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मधुरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, मधुरता, सुंदरता, ठीक है, बचपन, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। दुखी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लड़की कौन सी संज्ञा है, ठीक है, लड़की जो है, लड़की कौन सी संज्ञा है? तो लड़की से क्या हो रहा है? सारे लड़की, लड़की कहने से ही पूरे जितनी भी लड़की है सभी का बोध हो रहा है। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोगों ने देखा है जातिवाचक संज्ञा में कि लड़की कहने से क्या हो रहा है, जितनी भी लड़की है सभी लड़कियों का बोध हो रहा है, बस एक लड़की कहने से, ठीक है। और अगर बोले कि सीता, सीता कौन सी संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक खास लड़की को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? लड़की कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, ठीक है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसमें गुलाब कौन सी संज्ञा है, ठीक है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। गुलाब फूलों में क्या है? श्रेष्ठ है। इसमें गुलाब जो है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, इसमें जो गुलाब है वो कौन सी संज्ञा है? गुलाब कौन सी संज्ञा है? अगर आपको ऐसा सेंटेंस भी देता है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसमें गुलाब कौन सी संज्ञा है, ठीक है, इसमें गुलाब जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो गुलाब कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये एक खास फूल को दर्शाता है, अतः गुलाब जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। गुलाब क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अब हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं कि शेर हिंसक जानवर है, इसमें शेर कौन सी संज्ञा है, ठीक है, शेर क्या है? शेर हिंसक जानवर है, शेर हिंसक जानवर है, एक ऐसा आपको वाक्य दे देता है, शेर हिंसक जानवर है, इसमें जो शेर है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में देता है कि इसमें जो शेर है वो कौन सी संज्ञा है, तो शेर कौन सी संज्ञा हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ये खास जानवर का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, सोमवार कौन सी संज्ञा है, ठीक है, सोमवार कौन सी संज्ञा है? तो सोमवार कौन सी संज्ञा है? सोमवार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक खास दिन को दर्शाता है, ठीक है। तो सोमवार कौन सी संज्ञा है? तो सोमवार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, सोमवार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि गंगा, ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा है, ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा है? आपको किसी वाक्य के माध्यम से बता सकता है कि पटना गंगा के किनारे बसा शहर है, तो इसमें गंगा जो है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, गंगा क्या है, गंगा व्यक्ति वाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे क्या रहा है, इससे किसी खास नदी का बोध हो रहा है, ठीक है। तो गंगा क्या है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है, गंगा क्या है, व्यक्ति वाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पानी कौन सी संज्ञा है, ठीक है, पानी अर्थात जल, ठीक है, पानी जल कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा का उदाहरण है, पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो हम जल को क्या करते हैं, हम जल को नापते या तौल सकते हैं, ठीक है, नाप या तौल सकते हैं हम जल को, और ये क्या है, ये एक पदार्थ है, जल क्या है, एक पदार्थ है। तो ये हम लोगों ने किसके डिफिनेशन में पढ़ा था, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के, ठीक है। तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सभा, सभा में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है, सभा जो है, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है, सभा, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है। सभा की संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सभा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, नदी, नदी कौन सी संज्ञा है, ठीक है, नदी किस संज्ञा का उदाहरण है, नदी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नदी, दिन, महीना, ये सब किस संज्ञा का उदाहरण है, ये सब जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि नदी कहने से दुनिया भर में जितने भी नदी है उन सभी का बोध हो रहा है। तो नदी क्या है, जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा संज्ञा, अगर आप लोग को भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज संज्ञा के भेदों को देखा, ठीक है, संज्ञा के परिभाषा को देखा, साथ में इसके भेद को भी, ठीक है, इसके प्रकार को भी देखा, और साथ में इससे एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को भी किए, ठीक है, प्रश्नों को भी देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, साथ ही अगर आपको इसमें किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम हुआ हो तो वो भी आप हमसे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।